बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बनाने लगे हैं थंबनेल, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन करना है। फिर यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ पर जाके canva.com लिखना है। अब canva.com जब लिखेंगे तो क्या आएगा, आपके पास ये वाली स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। अगर तो आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आपने यहाँ जाकर अकाउंट बनाना है, क्रिएट अकाउंट। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसलिए मेरा डायरेक्ट वो ओपन हो गया। तो आपने बाहर पर जस्ट आपने अपनी ईमेल पुट करनी है तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है थंबनेल। आ गया जैसे YouTube थंबनेल, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इतनी देर ये ओपन होता है, जल्दी जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यही आपका रिप्लाई होता है हमें हमारे वीडियोस पर। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। अब हम बस स्टार्ट करते हैं थंबनेल। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये क्या क्या, इसके ये हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट होते हैं कि अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप इससे आइडियाज़ ले सकते हो। जैसे डिफरेंट किस्म के इसने टेम्पलेट हमें दिए हैं तो हम इसको देख के क्या कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं जिनको अभी नहीं पता कि थंबनेल किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ ले सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, फ़ोटो होते हैं, जो जो आपको ज़रूरत होती है आपने वो वाले क्या कर लेने होते हैं, सेलेक्ट कर लेने होते हैं। अब यहाँ अपलोड होता है, आपने क्या करना है, आपने जो अपने पिक्चर्स वगैरह लगाने हैं उनको क्या करना है, अपलोड करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी पिक्चर अपलोड किए हुए हैं तो आपने यहाँ से क्या करना है, पिक्चर को अपलोड करना है। फिर ये आता है फ़ोटो पर, फ़ोटो में डिफरेंट किस्म की फ़ोटो होगी। जैसे हम लोगों को अगर यूट्यूब के हमने ये यहाँ पर जस्ट सर्च करना है, जैसे मैं लिखती हूँ यूट्यूब, मैंने यूट्यूब लिखा और उसने उसके जितने भी है ना लोगो दे दिए, आइकॉन्स दे दिए। तो आपको इसकी सबसे अच्छी बात इस की ये है कि आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपको दे देगा, आपको बाहर से कहीं जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से, फिर उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट पर। तो आपने जिस तरह का, जिस स्टाइल में टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हो। अगर आपने ये स्टाइल सेलेक्ट नहीं करने तो आप इसे एज अ हेडिंग करके खुद से भी क्या है अपना स्टाइल ले सकते हैं। फिर आते हैं स्टाइल्स पर। स्टाइल्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के इसके फॉर्मेट हैं, जिस फॉर्मेट को आप अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड है, अगर तो आपके पास कोई आप आपके दिमाग में आइडिया हो, आप उस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप एक बैकग्राउंड सिंपल सा लें जो आपके पास आइडियाज़ हैं। आप पैसा बैकग्राउंड लेके तो आप अपने थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद चार्ट है, इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं। मोर में क्या है, आइडियो, वीडियो और फोल्डर जो भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थंबनेल को बनाना। तो हम क्या करते हैं, अब मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, खुद से एक बेसिक सा थंबनेल बनाते हैं। जैसे कि हम बिगनर्स हैं और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता पिक्चर किस तरह से क्लिक करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा थंबनेल लेती हूँ जो अट्रैक्टिव सा हो, अट्रैक्ट करे। तो मैंने ये एक बैकग्राउंड ले लिया, अब मैंने बैकग्राउंड ले लिया। हम सिंपल अभी बनाते हैं, हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट पर नहीं चलते। और आप चाहें तो यहाँ से भी हेडिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ये वाला ले लेती हूँ। अब क्या करते हैं, अब इसमें आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आके क्लिक किया, अब जो आपने लिखना है वो लिख सकते हो। मैंने इसे भी रिमूव कर दिया। अब मैं बनाने लगी हूँ अट्रैक्टिव सा थंबनेल, तो मैं ये लिख देती हूँ अट्रैक्टिव, सॉरी थंबनेल। विदिन 5 मिनट्स ओके, ये लिख लिया। अब इसको सेट कर लेते हैं, बेसिक हम बनाने लगे हैं, हमने कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाना। अभी स्टार्टिंग है तो हम इस इजी सीखते हैं कि किस तरह से बेसिक, जो बिगनर्स हैं जिनको थंबनेल का आइडिया नहीं है,
थंबनेल जो बेसिकली होता है ना, तो वो क्या करता है, उससे आपकी जो वीडियो होती है उसकी अट्रैक्शन बढ़ती है, उसमें क्लिक्स ज़्यादा होते हैं। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो व्यूवर्स ज़्यादा आएंगे आपके पास। अब क्या करते हैं इसको, अब मैंने लिख लिया है अट्रैक्टिव थंबनेल विदन 5 मिनट्स। अब देखो ये कलर इतना सूट नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसे अपने जो बैकग्राउंड लगाया ना उसके साथ थोड़ा मैच करते हैं। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, हमने थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाना है, इसलिए मैंने नाम भी इसे अट्रैक्टिव सा दिया। तो मैं ये ज़रा करती हूँ, इसे सेट करते हैं, देखें इसे बैक स्पेस दे कर सेट करते हैं क्या। अब मैंने इसे यहाँ ही रखा है और इसे मैंने यहाँ सेट कर दिया। इसको नीचे ले जाते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव प्यारा सा लगे लगे के वाकई में थंबनेल बनाया और हर कोई अट्रैक्ट हो गया है। अब ये कलर सूटेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं इनका। जैसे वो कलर हमने अच्छे से रखने हैं, ब्राइट से कलर रखने हैं, क्योंकि देख के आए कि अच्छा क्या बना हुआ है थंबनेल, कि इसमें कोई चीज़ अच्छी ही होगी, हम उस तरह के कलर रखते हैं जो लोगों को दूर से नज़र आए। वीडियोस के अंदर अगर डिफरेंट वीडियोस हैं तो उसमें आपका थंबनेल नज़र आए, कि लोग आपके, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हमने ज़रा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि थंबनेल अगर अच्छा होगा तो आपके क्लिक ज़्यादा होंगे, आप व्यूवर्स ज़्यादा आएंगे। अब देख लेते हैं, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये मैंने कलर सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने थोड़ा बैकग्राउंड उसका कलरफुल सा लिया, तो मैंने इसलिए क्या कर रही हूँ, कोई अच्छा सा थंबनेल कर रही हूँ। ये मैंने कर दिया, ये कलर ले रही हैं। अब इतना सा रेडी हो गया, अब देखने में देखा जाए तो ठीक है, अगर नहीं हमें थंबनेल बनाना आता तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक प्यारा सा थंबनेल बना ही सकते हैं। अब जैसे मैं अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करती, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एनिमेटेड पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मैंने अपलोड पहले ही कर दी है, मैंने एक एनिमेटेड पिक्चर ले ली है। अब ये उनके लिए भी है कि अगर आप पिक्चर नहीं लेना चाहते अपनी, तो क्या कर सकते हो, कोई भी एनिमेटेड पिक्चर इसके रेलिवेंट ले लो, जो अच्छी सी हो, मतलब इसके साथ मिलती जुलती हो। तो आपने क्या करना है, बस उसे लगा देना है और एक अच्छा सा थंबनेल बन जाएगा। अब हम लोग ने एक प्यारा सा प्यारी सी पिक्चर लिया है, उसे सेट करते हैं। ओके गुड, अब ऐसे लग रहा है इसी के साथ मैच हो गई है, उसके कलर हम लोगों ने ऐसे सिलेक्ट किए हैं, पिक्चर भी उसी के साथ मैच हो रही है। अब ये हम लोग बना रहे हैं यूट्यूब की वीडियो के लिए, तो हम जाते हैं एलिमेंट्स पर, वहाँ जाके मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके लिखना है यूट्यूब, तो आपको उसके रेलिवेंट बहुत से आइकॉन मिल जाएंगे, बहुत से लोगों मिल जाएंगे। आपने उसको क्या करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे मैं अक्सर यही लेती हूँ एक, क्योंकि कलर के साथ मैच भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। फिर तो छोटा सा कर लेते हैं, जहाँ मुझे लगता है यहाँ अच्छा लगेगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये ज़्यादा ही नीचे आ गया। इसको सेट कर देते हैं, अट्रैक्टिव तो हम लोगों ने बनाना है ताकि लोग अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए। क्या अब ओके, ये हो गया। अब इसको सेट करते हैं, डबल क्लिक करके बस आपने उसे क्लिक करना है, वो जहाँ आप मूव करना चाहेंगे हो जाए, क्योंकि तो एक बेसिक सा हमारे पास थंबनेल बन गया है और वो अच्छा भी लग रहा है। अगर तो आप अपनी पिक्चर आपके पास है, आपने क्लिक की हुआ था, आप अपनी पिक्चर लगा लो, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करना चाहते, जैसे कि मैं अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करना चाहती, तो मैंने क्या किया है, एक एनिमेटेड पिक्चर ले लिया है। तो क्या करना है, इस डाउनलोड के बटन पर जाना है और इस डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जितने ये डाउनलोड होता है, आपने क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानदा।